जीवा, क्या समाचार लाए हो? नरसी के घर में राशन पानी है या वो भूखो मर रहा है? अरे सारंग दादा, उसे सांस तो लेने दो। आते बराबर आपने उसके सर पर बात का घड़ा फोड़ दिया। ठीक है पिएगा? दादा मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ, मैं नरसी भगत की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, जो हुआ है वही बतला रहा हूँ। सारा गाँव नरसी भगत के पीछे पीछे प्रभातिया में उमड़ पड़ा। अरे ऐसी भीड़ की पूछो मत दादा। तुम्हें कितनी बार कहा है कि उसकी बड़ाई के डिंगे मेरे सामने मत मारा करो। दादा नाराज क्यों? जीवा जो देख कर आ रहा है वही तो बता रहा है। आप ऐसा करो कि अपने कान में रुई डाल लो, ताकि बात कपड़छन होकर आपके कान में से आपके दिमाग में पहुंच जाए। अरे चुप कर मोरंग, चारों तरफ नरसी नरसी नरसी, ये हो क्या रहा है? ठीक है, आगे क्या हुआ? तब बड़ी मुश्किल से नरसी ने समझा कर उनको घर वापस भेजा। का मतलब ये लोग नरसी से दूर जा ही नहीं है। अरे लोग करे क्या दादा, मतलब अरे उसके कंठ में जादू है जादू। देखो मोरंग देखो, ये पापी नमक हमारा खाता है और गुण उस नरसी का गाता है। अच्छा करो, ये कान पे आप कपड़ा रख लो, अब बातें जो है ना छनकर आपके कान में से दिमाग में पहुँचेगी तो आपको तकलीफ नहीं होगी। अरे हटा ये कपड़छन, यहाँ मेरे सीने पर सांप लुट रहा है और तुम लोगों को मजाक सोच रहा है। अच्छा ठीक है, आगे क्या हुआ बोल। और तो और, पुरुषोत्तम काका के भाई मुंशी बाबू ने सिपाही भेजकर नरसी को बुलवाया था। मुंशी बाबू ने सिपाही भेजकर नरसी को अपने घर पर बुलाया था? मेरी आँखों ने देखा और कानों ने सुना है। अपनी तो खिचड़ी पक गयी। सारंग दादा जब खिचड़ी पक गई है तो फिर चिंता किस बात की है, गरम गरम है खा लो। अरे बेवकूफ, गरम गरम खाने से मुंह जल जाएगा। तो फूक फूक कर खा लेंगे। देवा बेटा बैठो, दादा सारंग दादा बैठो। सर दादा मैं जाऊं? जाओ। जय शिव शंकर। जय शिव शंकर। जाओ सारंग दादा। शिवशंकर भैया ने नरसी को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन नरसी टस से मस ना हुआ और उल्टा उन्हें ज्ञान की बातें सिखाने लगा। अरे मुरली, ओ मुरली, मैंने तुझे मना किया था ना नरसी के घर जाने के लिए, और मेरे मना करने के बावजूद किसके कहने से तू उसे बुलाने गया? सब मैं तो क्या कर रहा है, मुंशी बाबू ने कहा था साहब, तो चल बुला के लाओ उसे। जाओ बोले। और गजानन के बच्चे तू इधर आ। आ गया काका साहब, आ गया। मैं तो आ गया काका साहब, शेर की दौड़ सुनते ही खरगोश अपनी मौत से बाहर निकल आया काका साहब। अच्छा तो तू खरगोश हो गया और दूसरों की चुगली करने में सबसे आगे रहता है। अजय वो भोले बाबा की मैं और चुगली, भोले बाबा की कसम, कसम बाबा ने की मैं और चुगली। चुप। नरसी के प्रति तेरा और शिव शंकर का क्या गोरख धंधा? गोरख धंधा वो भोले बाबा की, मेरा गोरख धंधा ना 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 ना, वो देख लीजिए वो खुद ही आ गए। कोई गोरख धंधा नहीं है भैया, बिल्कुल सच्ची बात है। क्या सच्ची बात है? आपके सामने सच बोलने की हिम्मत है किसमें? तो तुम अपने अंदर बोलने की हिम्मत पैदा कर लो फिर मुझसे बात करना। भैया हम लोग नागर जाति के अग्रणी हैं, यदि हम नरसी को नहीं रोकेंगे तो? तो तुम नरसी को रोकने का प्रयास कर रहे हो, पर क्यों और किसके कारण? कारण तो अनेक हैं। कारण अनेक और कर्ता कर्ता केवल एक। वो
वो उल्टे सीधे पदों की रचना करके सीधे साधे लोगों को गुमराह कर रहा है। कहता है कि क्या कहता है? कृष्णा ने उसे अपने धाम बुलाकर महाराज के दर्शन कराए, और तो और ये भी कहता है कि वो केदार राग गाएगा तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। तुम जलन और ईर्ष्या से जल रहे हो, और मैं तुमको जलन और ईर्ष्या से प्रत्यक्ष जलता हुआ देख रहा हूँ। ये ईर्ष्या तुम्हें प्रत्यक्ष जलाकर राख कर देगी। भैया, आप इतने बुद्धिमान, हमारे समाज और नागर जाति के अग्रणी, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों पर कैसे विश्वास कर लिया? शिवशंकर, तुम मुंसिफ हो, और तुम्हें राजा रामांडलिक ने मुंसिफ इसलिए बनाया कि तुम न्याय कर सको, और जब तुम न्याय करते हो तो दलीलों के आधार पर सत्यता का कोई मोल नहीं। तो सच ये है शिवशंकर कि नरसी को भगवान के दर्शन हुए। अब मैं दलील के रूप में तुम्हारे सामने कटघरे में खड़ा हूं। प्रश्न तुम करो, उत्तर मैं दूंगा। भैया, पहला तो ये कि वो नागर जात से है, नागर ब्राह्मण होने के बावजूद वो अछूतों की बस्ती में उन्हीं के घर में उन्हीं के साथ खा पी कर उन्हीं को गुमराह कर रहा है। शिवशंकर, रामायुग से लेकर कृष्णायुग तक ये आंदोलन इसी तरह उथल पुथल होता आया है। राम को सारी दुनिया ब्रह्म के रूप में देखती है, और एक साधारण से धोबी के कहने पर सीता को बनवास दे दिया, और जानते हो अंत क्या हुआ? माता सीता ने बनवास का दुख झेला और अपने सतीत्व को बताकर जीते जी धरती में समा गई, और तब अयोध्या वासियों को होश आया कि वो सच्ची थी और हम झूठे। भैया, आपका दिल दुखाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। इसीलिए नरसिंह, इस युग में परिवर्तन करने तथा छूत अछूत का भेद मिटाने के लिए पैदा हुआ है। जाओ, अब तुम सब लोग जाओ, तुम्हें दफ्तर के लिए देर हो रही होगी। ठीक है भैया। मुरली जी, खजाना जी, तुम चलो, मैं तैयार हो के आता हूं। जी सर। अब चलो, अंदर चलो। ओ बालम, ओ बालम, ओ बालम, हर जाई। अरे चुप कर, हर जाए के बच्चे, तुम्हारा इंतजार करते करते ये आंखें पथरा गई। अरे कसम भोले बाबा की, इन पथराई आंखों से रंगीली को कैसे देखोगे? अरे बाप, उसी बोले के लिए मुंह बंद कर और कान खोल। ये लीजिए, ये लीजिए। अरे अरे मेरा मुंह नहीं, अपना मुंह बंद करो। तुम बोलोगे तो मैं कैसे बोल पाऊंगा? बोलिए सरकार, बोलिए। जब पुरुषोत्तम काका ने नरसी को अपने घर बुलाया था, क्या कहा था? अरे विजय बोले बाबा की, इस बात पर चर्चा मत करना। क्यों? पुरुषोत्तम काका पर नरसी का पूरा जादू चल गया है, और वो नरसी भक्त हो गए। सत्तम काका नरसी भगत हो गए? जय भोले बाबा की, कसम भोले बाबा की, पुरुषोत्तम काका की कचहरी में आज शाम को आप भी अपराधी की तरह पीपल के सूखे पत्ते की भांति फड़फड़ करते नजर आओगे। चल चुप कर, अपना काम कर जा। जय भोले बाबा की। बोले हाथ दबा। आप समझते क्यों नहीं हो? रत्नाबाई नरसी के भजन के आयोजन में अवश्य आएगी, और आएगी तो उसे बाहों में भरकर पानी पिलाना नहीं भूलेगी। मेरी इच्छा थी कि आपके भजन का गुणगान आज मेरे घर पर हो। ओ गिरधारी